नो सब ग्रुप। इसका आंसर केकली बताइए मुझे। मैम एटलीस्ट टू सब ग्रुप, एटलीस्ट टू सब ग्रुप, ऑप्शन फर्स्ट। एटलीस्ट टू सब ग्रुप, सबका ऑप्शन फर्स्ट है। यस मैम। सबका कंफर्म लॉक कर दिया जाए? यस मैम, लॉक कर दीजिए। ओके ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं एक ऐसा ग्रुप ले लूं जिसका ऑर्डर वन हो, इस केस में क्या होगा, कितने सब ग्रुप होंगे? क्योंकि ऑर्डर वन का ट्रिविअल ग्रुप हमारे पास मिलेगा ना? यस मैम, तो इसमें एक ही रहेगा। इसमें तो एक ही रहेगा, तो इसमें एटलीस्ट टू कैसे होंगे? यस मैम, इसमें वन हो जाएगा। वन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एटलीस्ट वन। देखिए ये जो है, अगर हम लोग क्या टू दे देता तो एटलीस्ट टू हो जाता। अगर यहाँ पे नॉन ट्रिवियल देता तब एटलीस्ट टू होता। तो उसमें, उस केस में एक आपका ई वाला हो जाता और एक खुद ये जी हो जाता, तब एटलीस्ट टू होता आपका। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है जी पे। और हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, जो ट्रिवियल होता है उसको तो भूल जाते हैं और आगे से सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद ही आंसर कीजिए। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है पर बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है? इसलिए छोटी छोटी चीजों पे आप हमेशा ध्यान रखिए, ताकि गलती होने के चांसेस आपके बहुत बहुत कम हो, ठीक है? अब हम कुछ एक रिजल्ट्स रिकॉल करते हैं जो आपके बहुत काम है, आने वाले हैं, ठीक है? तो एक जी है, ये साइक्लिक ग्रुप है आपका, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा आपका? साइक्लिक होगा, ठीक है? साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक। अब इसका उल्टा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर किसी ग्रुप का एक हमें नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कि वो ग्रुप क्लिक नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। देखिए ये जो भी रिजल्ट्स होते हैं इनका हम लोग मतलब स्टेटमेंट तो याद कर लेते हैं, पर कई बार उनका स्टेटमेंट के अलावा उसका जो नेगेटिव करते हैं हम, वो ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। अब ठीक है, हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, पर इसका जो नेगेटिव हो गया कि नॉन साइक्लिक, अगर इसका हमें, हमारे पास कोई एक सब ग्रुप है जो नॉन साइक्लिक है, तो हमारा जो ग्रुप है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हमें दिखाना होता है उस टाइम ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारे, ठीक है? ओके नेक्स्ट आपका है कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी है ये इनफाइनाइट है आपका, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका जो जनरेटर होगा वो सिर्फ दो ही होंगे, ओनली टू जनरेटर्स। अगर इसका कोई आपको ए जनरेटर मिल जाता है तो एक इसका इनवर्स हो जाएगा जो जी को जनरेट करेगा, इनके अलावा कोई भी आपको दूसरा जनरेटर नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जांपल देखना चाहेंगे जेड का, तो इसमें आपका वन है और इसका इनवर्स क्या है, माइनस वन, ठीक है? इसके अलावा कोई जनरेटर है इसका? नो, नहीं है ना। तो कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपका, उसके सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं। अगर एक आपको जनरेटर मिल गया तो दूसरा उसका इनवर्स हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी जनरेटर नहीं होगा। और आगे आगे जब हम आइसोमोर्फिज्म पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कोई भी जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा वो किसके आइसोमोर्फिक होगा, जेड के। तो वहां से भी हम देख पाएंगे कि अब जेड के सिर्फ दो ही जनरेटर हो रहे हैं,
तो कोई भी हम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेंगे तो उसके सिर्फ दो ही जनरेटर होंगे क्योंकि वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ये अभी हम आगे जब आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब इस टॉपिक पे आएंगे हम लोग। अभी के लिए इतने याद रखिए कि इसके सिर्फ दो ही आपके सब ग्रुप होंगे, सॉरी जनरेटर होंगे। ओके, और अगर आपका कोई ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है तो इस ये जो ए है इसकी कोई पावर अगर हम ले रहे हैं तो ये भी जनरेट करेगा जी को। कब कब करेगा? जब इसके इस के का और जी के ऑर्डर का जो इसीलिए वो क्या हो, वन हो। जहां पे ये जो जी है वो आपका फाइनाइट है, इसका ऑर्डर कुछ एन हमने ले लिया तो इस ये जो अब हमारे पास जो ए है वो जो जनरेटर मिला है उसकी कुछ पावर्स, क्योंकि जनरेटर है तो हम जी को इसकी पावर्स के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे कि आपका बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो अब इसकी पावर्स क्या है, इस जी के ही तो एलिमेंट आ रहे हैं तो इस ए के अलावा भी कोई हमें जनरेटर मिल सकता है तो वो कौन सा जनरेटर होगा? इस ए की वो पावर्स होंगी सच दैट इस के का इस एन के साथ में जी सी डी क्या होना चाहिए आपका, वन। तो वो सारी ए की पावर्स जो होंगी वो इस जी को जनरेट करेंगे। ये उस टाइम आपको हेल्पफुल हो सकता है जब आपको कोई जनरेटर दे रखा और उसमें पूछ दे कि इसके अलावा भी आपका कोई जनरेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब उस केस में आपका ये रिजल्ट हेल्पफुल होगा। ओके, और एक तो और रिजल्ट है कि हाँ रिजल्ट का एग्जाम्पल्स भी देखते हैं हम एक बार, हम रिकॉल कर लेते हैं रिजल्ट्स को, दो चार करते हैं फिर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? तब देते हैं इसका एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आपका है कि अगर सपोज करो हमारे पास जी जो है वो जेड हमने ले लिया और इसका एक हमने सपोज कीजिए एच वन ले लिया एन जेड और H2 जो ले लिया वो MZ, ठीक है? तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो तो सब ग्रुप होगा, हमने कल ये चीज पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप बनाता है, ठीक है? अच्छा ये चीज अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या आएगी, ये जो NZ इंटरसेक्शन MZ है ये निकलने के बाद क्या आएगा? LCM yes. ये हो जाएगा आपका LCM O N कोमा M। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसे दे सकता है, ठीक है? और उसमें आपसे पूछ सकता था अगर आपको ये अब आप वहां पे इंटरसेक्शन पहले निकाल लेंगे देन उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या चीज बन रहा है, उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। इसलिए अगर आपको डायरेक्टली पता है कि इसका एलसीएम होता है तो वहां से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं अभी फिलहाल हम लोग को उस चीज को याद करना ही ठीक रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मुश्किल से एक महीना भी नहीं है, तो इसलिए हम क्विक रिविजन कर रहे हैं और इसमें हम वो सारे रिजल्ट्स रिकॉल कर रहे हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रह चुके हैं या रहने वाले हैं, क्योंकि हम जो ये भी रिजल्ट्स रिकॉल करवा रहे हैं हमने जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे ये रिजल्ट्स यूज हुए हैं उन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि आप उन चीजों को कम से कम कर सकें और उनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ना छोड़ें, ठीक है? और इसका जब अगर थ्योरी होगा तो वो बाद में जब डिटेल्ड क्लासेज होंगी उसमें हम प्रूफ्स वगैरह देख सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको रिकॉल कर रहे हैं जो बहुत यूजफुल है। ओके, ये तो आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर मैं ये चीज पूछूं आपसे, ये चीज क्या हो जाएगा? यहां मैंने इंटरसेक्शन लिया था, यहां मैं प्लस ले रही हूं इसका, प्लस यहां पे यूनियन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? CF of N M. Yes. जी हाँ, इसको हम GCD भी बोलते हैं, तो इसका yes, ma'am. GCD.
ठीक है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट ये चीज लगा के आंसर कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ में एक और है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितना होगा ZN में, कितना होगा? टाउ एन का नाम आपने सुना है, नंबर थ्योरी में पढ़ा है ना आपने, कलिका ने करवाया है शायद क्लास में, करवाया है ना, है ना। तो ये चीज आपको पता है, तो अगर आपको ये आपका ZN में कितने सब ग्रुप्स होंगे ये चीज आपको, जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट वगैरह आएगा वहां पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं या नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, उस टाइम भी ये बहुत काम आता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि अगर ZN में सब ग्रुप की बात कर रहा है तो वो टाउ एन हो जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, पढ़ा हुआ है हमने क्लास में। यस मैम, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अभी एक चीज और कर लेते हैं, खैर वो बाद में आएगी, बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। अगर आपका एच कोई सब ग्रुप है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये आपका लैग्रांज थ्योरम है। ये बेसिकली आपका कोसेट वाले चैप्टर में आता है, पर अभी इसलिए करवा दिया कि इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। अगर फाइनाइट ग्रुप है कोई भी और उसका एच सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो इसको ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बेसिक जो गलती होती है वो क्या होती है कि हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो D है वो अगर इसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो D ऑर्डर का सब ग्रुप हमें मिलेगा। क्या ये सही है या गलत है? मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई सब ग्रुप है तब वो तो डिवाइड करेगा, पर अगर कोई नंबर आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। हाँ, यहाँ पे आप पॉसिबली लगा सकते हैं कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इसी से ऑर्डर के सब ग्रुप हमें पॉसिबली मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली मिलेंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान देने लायक है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो जाती है। हम कई बार सोचते हैं कि इसको तो डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को तो इस ऑर्डर का हमें सब ग्रुप मिल जाएगा, पर ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, शायद ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में शायद ही होल्ड होता है, वो आगे की बात है, अभी फिलहाल के लिए हमारा इतना ही काम है। और फिर इसका एक कॉरोलरी और है कि अगर ये जी आपका जो है वो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो इसमें आपका जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी बाद में जब लैग्रांज थ्योरम करेंगे तब हम लोग इसको आगे करेंगे, ओके। और अभी के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। 90 नंबर क्वेश्चंस आप देखिए एक बार, कल हमने सब ग्रुप पढ़ा था और मैंने आपको ये चीज बताया था। ठीक है, और कुछ एक रिजल्ट्स हमने अभी रिकॉल किए हैं तो इनकी हेल्प से आप एक बार ये क्वेश्चंस बनाइए। मैम अबेलियन नॉन अबेलियन का समझ नहीं आ रहा, चेक कैसे करें? ओके, ठीक है, हम लोग देखते हैं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि अबेलियन और इंटरसेक्शन के डिफरेंट फ्रॉम ओके टू और थ्री
यस मैम अबेलियन होगा एच इंटरसेक्शन के इज अबेलियन होगा और वो सेकेंड के लिए पता नहीं ओके ठीक है हम लोग देखते हैं अच्छा हमने कल ये देखा था कि आपका अगर एच और के जो है वो आपके सब ग्रुप हो रहे हैं जी के एच इंटरसेक्शन आपका सब ग्रुप हो जाएगा ये हमने कल पढ़ा था और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर एच सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ठीक है और एक बात और देखिए एच इंटरसेक्शन जो के है वो आपका कंटेन होगा एच में भी और एच इंटरसेक्शन जो के है वो आपका कंटेन होगा के में ये चीज ठीक है ऐसा होगा कि नहीं होगा यस मैम यस मैम हो जाएगा ठीक है तो ये एच इंटरसेक्शन के इन दोनों का सबसेट बन गया तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं ये जो एच इंटरसेक्शन के है ये इसका सब ग्रुप भी बनेगा एच का और के का ओके अब ये सब ग्रुप जब बन गया तो एच इंटरसेक्शन जो के है इसका जो ऑर्डर होगा मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा एच के ऑर्डर को भी और एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर के भी डिवाइड करेगा ठीक है इसका मतलब ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है तो ये और किसको डिवाइड कर देगा आप लोग एलसीएम जीसीडी वगैरह पढ़े हैं उनको जीसीडी को डिवाइड जीसीडी को करेगा जीसीडी को डिवाइड करेगा ही यस मैम तो ये एच का ऑर्डर आपका कितना है 12 है और के का ऑर्डर कितना है 16 है तो इनका जीसीडी कितना हो गया फोर ठीक है तो एच इंटरसेक्शन के जो है वो डिवाइड करेगा फोर को इसका मतलब आपका एच इंटरसेक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या क्या हो सकता है ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा ठीक है वन हो सकता है टू हो सकता है और फोर हो सकता है ओके ठीक है यस वन टू फोर ऑर्डर ग्रुप अबेलियन होता है ये तो अबेलियन तो होता ही है अभी हम पहले फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं इन केस अगर ये आइडेंटिटी होता है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा तो ठीक है इस वाले फॉर्मूला में रखिए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एच के का ऑर्डर एच का ऑर्डर आपका हो गया 12 के का ऑर्डर हो गया आपका 16 और इंटरसेक्शन का ऑर्डर हो गया 1 तो आप देखेंगे कि एच के का जो ऑर्डर है वो आपका ग्रेटर देन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी हो गया यस मैम क्योंकि 12 इंटू 16 इज ग्रेटर देन 96 ये पॉसिबल होगा कभी कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा हो जाए नो अगर इन केस एच के अगर सब ग्रुप होता है तो उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास yes, इसका मतलब इसका ऑर्डर वन नहीं हो सकता ऑर्डर वन नहीं होगा इसका मतलब इसका ऑर्डर आपका क्या होगा एक से बड़ा होगा ठीक है तो एक से बड़ा किस केस में होगा जब ये आइडेंटिटी के इक्वल आपका नहीं होगा इसलिए सेकेंड ट्रू हो गया और फर्स्ट रॉन्ग हो गया ठीक है अब अबेलियन पे आते हैं हम लोग वन वाला तो हमारा केस चला गया अब हो सकता है या तो टू हो सकता है तो या तो फोर हो सकता है टू आपका प्राइम प्राइम से आपका साइक्लिक और साइक्लिक इम्प्लाई अबेलियन कल हमने ये चीज पढ़ा था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा और साइक्लिक है तो वो अबेलियन हो जाएगा ठीक है और ये जो चीज आपका है इसका एक रिजल्ट होता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर आपका पी स्क्वेयर है जहाँ पे पी एक आपका प्राइम है तो जो आपका जी है वो अबेलियन हो जाता है ठीक है तो फोर को हम टू की पावर टू लिख सकते हैं टू जहाँ पे पी है तो ये पी की पावर टू हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा अबेलियन हो जाएगा तो एच इंटरसेक्शन का ऑर्डर चाहे आपका टू बने या फोर बने दोनों ही केस में क्या आ गया ये अबेलियन तो यहां से क्या हो गया आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू हो गया किसी को कोई प्रॉब्लम या समझ में आ गया हम आ गया अभी सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया यस मैम ओके तो इसका एक मैं डायरेक्ट एक मेरे पास रिजल्ट है
अगर आप के एच और जो के है वो दो सब ग्रुप है फाइनाइट सॉरी जी के, जहां पे जी जो है आपका फाइनाइट है, सच दैट एच का ऑर्डर ग्रेटर देन है अंडर रूट ऑफ ऑर्डर जी, और के का भी जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन अंडर रूट ऑर्डर जी, तो आपका जो एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा वन से. ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट से आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग और सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेक्ट तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ चेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो जाएगा. और इसका अगर आप इसको देखना चाहेंगे कैसे, हमने वहां पे देखा था कि अगर एच इंटरसेक्शन जो के है आपका, इसका जो ऑर्डर है वो एच के भी ऑर्डर को डिवाइड करेगा और के भी ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इसके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा. और जीसीडी कुछ भी हो उसमें वन तो आपका एच इंटरसेक्शन का ऑर्डर आएगा ही आएगा, मतलब पॉसिबल केसेस में वन तो आएगा ही आएगा. और जब हम वन रखेंगे तो एच के का ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के, और ये भी ग्रेटर देन अंडर रूट जी, ग्रेटर देन अंडर रूट जी, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ एच के किससे बड़ा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी से, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ये आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट था. ओके, 85 ट्राई कीजिए आप. इसमें आपका दो एलिमेंट लिए हुए हैं ए और बी, जिसका ऑर्डर एम और एन दे रखा है, और उसके बाद पूछ रहा है कि ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है. एलसीएम होगा, सेकंड और थर्ड होगा. सेकंड और थर्ड, ओके. और बाकी लोगों का मैम अभी एम और एन पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो फर्स्ट टू भी नहीं हो सकता है. ओके, फर्स्ट में कंफ्यूजन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नहीं मतलब जैसे क्योंकि अगर एम और एन मतलब को प्राइम नहीं होंगे, मतलब उनमें कोई प्राइम सीडी वन नहीं मिलेगा तो मैंने हो जाएगा. ओके ठीक है, बाकी लोगों का. ओके मैम, टू और थ्री. टू और थ्री, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं एक बार. इसका मतलब अगर यहाँ पे ए, अगर हम मैं इसका कोई एलिमेंट ले रही हूँ तो एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, करेक्ट? ठीक है, यस मैम. ओके, अब यहाँ पे आपका ये देखो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दे रखा है और ए और बी दो एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब आपका ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों का ऑर्डर जो है वह ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. ठीक है, और ये हमें ए का ऑर्डर एम दे रखा है और बी का ऑर्डर एन दे रखा है, इसका मतलब आपका एलसीएम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को. यस मैम. ठीक है, इसका मतलब हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एलसीएम है वो आपका मतलब ए बी का ऑर्डर हो सकता है. ठीक है, तो यहां से पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी हम श्योरली नहीं कह सकते, बट मे बी हमें मिल सकता है क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है और इसका जो एलसीएम है वो इसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, ये तो हुआ कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जी हुज ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ एम कोमा एन. यहाँ पे देखिए ए बी की बात नहीं कर रहा है ये कि ए बी का ही ऑर्डर एलसीएम होगा, पर ये कह रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा हो सकता है जिसका एलसीएम एम कोमा एन का एलसीएम हो सकता है. तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट वो किसी दो एलिमेंट्स के ऑर्डर का एलसीएम होगा और वो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. ठीक है, ओके, अब हम एक बार कॉन्ट्राडिक्शन से देखते हैं. आप जी ले लीजिए जेड फोर, जेड फोर में आपका आ गया 0, 1, 2, 3. ठीक है, अब यहाँ पे वन तो आपका आइडेंटिटी हो गया, चलो ठीक है, टू एलिमेंट ले लिया, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू का ऑर्डर टू हो जाएगा यहाँ पे,
यस मैम। और एक एलिमेंट थ्री ले लेती हूँ, इसका ऑर्डर फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे a इंटू बी क्या हो जाएगा, a प्लस मॉडुलो फोर बी, क्योंकि यहाँ पे जेड फोर है तो इसमें आपका ऑपरेशन प्लस मॉडुलो फोर है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, मीन्स वन ही हो गया मोड फोर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वन का ऑर्डर कितना है, कितना है यहाँ पे वन का ऑर्डर, फोर, फोर हो गया। ओके अब देखिए हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है m इंटू एन, तो m इंटू एन तो आपका कितना होना चाहिए, फोर इंटू टू एट, ये तो आपका फोर के इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन कट। और टू और फोर का जीसीडी कितना हो जाएगा, टू, ये भी आपका फोर के इक्वल नहीं है, सॉरी मैं एलसीएम में लिख रही थी, हाँ एम आपका यहाँ पे टू है और एन फोर है, तो इनका जीसीडी आपका हो गया टू, जो कि आपके वन के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे डिस्कार्ड हुआ। अब हम एलसीएम के लिए देखते हैं, इसके लिए कोई हमें मिलता है क्या ऐसे एग्जांपल? इसके लिए एक बार आप जेड सिक्स कंसीडर कीजिए, और इसमें आप वन का ऑर्डर लीजिए, सिक्स होगा, और कोई दूसरा एलिमेंट हमने सपोज कीजिए टू ले लिया, टू का ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्री, फाइव, जेड सिक्स में एलिमेंट फाइव भी होगा ना मैम? हाँ हाँ सॉरी फाइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट ले लिया वन और टू, तो वन का ऑर्डर सिक्स हो गया और टू का ऑर्डर आपका थ्री हो गया। नाउ वन प्लस टू आपका हो गया थ्री मॉड सिक्स में, अब थ्री का ऑर्डर आपका कितना होगा, टू हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टू है क्या ये इसके एलसीएम के बराबर है, सिक्स और थ्री के एलसीएम के बराबर? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, सिक्स हो जाएगा, ये आपका टू के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर आपका एलसीएम के इक्वल हुआ, नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे आपके पास एक काउंटर एग्जांपल है जेड सिक्स का, जिसमें अगर आप एक एलिमेंट वन ले लिया और एक एलिमेंट टू ले लिया, तो यहाँ पे आपका ये जो ए बी बन रहा है इसका जो ऑर्डर है वो नॉट इक्वल टू है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी के। तो ये टू वाला क्लियर हुआ जिसका टू सही आ रहा था? यस मैम। यहाँ से ये बोल रहा है कि इसी जो ये ए और बी है इसका ऑर्डर आपका एलसीएम के इक्वल होगा, और ये थर्ड बोल रहा है कि यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर एम और एन के एलसीएम के इक्वल होगा, इन दोनों में डिफरेंस है, ये इसी ए बी की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो ए बी का ही ऑर्डर हो, ठीक है। ये बहुत बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस टाइप की मिस्टेक से आपको बचना होगा, क्योंकि इसी टाइप की मिस्टेक से नंबर्स कट होते हैं। एक मैंने आपको जी दे दिया सेट, सेट दैट ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई, ठीक है।
यहाँ पे जो ऑर्डर x का ऑर्डर है वो 4 है और y का जो ऑर्डर है वो आपका 2 है एंड xy इक्वल टू y x क्यूब है. तो आप मुझे g का ऑर्डर फाइंड आउट करके बताइए. सॉरी 8. यस ओके. और किसी का आंसर? जी हाँ 8 आएगा. 8 आएगा. और ये कैसे 8 आएगा? आपने कौन सा अप्रोच लिया? हम D4 का. एक्जेक्टली यस दिस इज D4. ये हमने कल या परसों वाली क्लास में किया था. इसका मैंने आपको DN का स्ट्रक्चर बताया था. यहाँ पे ये आपका x, y से जनरेट होता है सच दैट x की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी और y स्क्वायर इक्वल टू e. और आपका ये इस टाइप से कुछ हो रहा था. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये x और x इंटू वाई समथिंग, मतलब x और y से जनरेट हो रहा है. इसको कोई कोई dn को ऐसे भी लिखता है x की पावर a y की पावर j, मतलब x और y की पावर्स में हम कर सकते थे. यहाँ पे देखिए y की पावर्स यहाँ तक 0 हो रही है और यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है. ठीक है. और उसके साथ क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? x का ऑर्डर 4 है मीन्स x 4 इक्वल टू आइडेंटिटी है और y का ऑर्डर 2 है मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है. और इसमें देखिए x की पावर 4 आइडेंटिटी है, इसका मतलब आपका x की पावर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इनवर्स हो जाएगा. तो इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है. तो ये इसी के इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाता है. तो इसमें आपका यहाँ पे जी क्या हो गया? एक्स कोमा वाई से जनरेट हो रहा है, एक्स की 4 आइडेंटिटी आ रही है, वाई की पावर 2 आइडेंटिटी आ रही है और आपका एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स हो रहा है. ठीक है. तो ये आपका क्या बन जाएगा? डी फोर हो जाएगा और डी फोर का ऑर्डर आपका 8, डी एन का ऑर्डर आपका 2n होता है. ठीक है. ये सबको क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपका गेट 2015 में पूछा हुआ है. मैम डी का डायरेक्ट एलिमेंट भी तो काउंट करें तो 8 हो रहा है. हाँ 8 हो रहा है वो. ठीक है, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, पर हमने जो पढ़ा है उसका भी तो एप्लीकेशन देखना है कि वो चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है आपको. हमेशा तो डायरेक्ट काउंट करने के लिए नहीं दे सकता है ना. तो हमने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए ना, कि हमने जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है. आपके गेट में ये इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिसमें डायरेक्ट इस टाइप से कभी डी की स्ट्रक्चर दे रखा है, कभी जेड एन का स्ट्रक्चर दे रखा है और वहां से डायरेक्ट इसका ऑर्डर या सेंटर का ऑर्डर या इस टाइप से कुछ पूछा हुआ है. ठीक है. तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कोई भी. ओके. तो ये हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो अभी तक इसमें पूछे हुए थे, जो अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ा है. अब आज के लिए थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट. तो इससे नेक्स्ट आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रुप जी, डिनोटेड बाय आपका जेड जी. इससे हम डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन हम करते हैं जेड जी को. ये एक सेट होता है जिसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं. कम्यूट का मतलब है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी. तो इसमें जी के वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ में कम्यूट कर रहे हैं. ठीक है. ये आपका क्या बन गया? कम्यूटेटिव हर एलिमेंट के साथ होना चाहिए. हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए फोर ऑल वाई लिखा हुआ है. ठीक है. ये बहुत जरूरी चीज है कि इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाए. सपोज कीजिए हम जी में, सपोज कीजिए मेरे पास अगर जेड 4 ही मैं ले रही हूँ और इसमें मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सा सेंटर में आएगा. तो अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि 3 जो है वो इसके सेंटर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे क्या इसमें कंडीशन देखना पड़ेगा कि 3 जो है वो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी. ठीक है. ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे. फॉर ऑल वाई सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना चाहिए. ठीक है.
अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप का सब ग्रुप बनाएगा या नहीं, जो सेंटर है हमारा वो सब ग्रुप फॉर्म होता है कि नहीं होता है? यस मैम, सब ग्रुप बनाएगा। बनाएगा, ये आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये जो आपका सेंटर है ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा आपका, ठीक है? ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रही, ये आपका सब ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है? ग्रुप आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका एक रिजल्ट है, जी जो है वो आपका अबेलियन होगा। कब? जब आपका सेंटर जो किसके इक्वल हो जाए, ग्रुप के इक्वल हो जाए। क्योंकि अगर आपका सेंटर ग्रुप के इक्वल हो गया उस केस में आपके यहाँ पे जो एक्स जी से बिलोंग कर रहा है वो सारे एक्स आ जाएंगे सेंटर में, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आ जाएंगे। अगर ये जी के बराबर हो गया तो यहाँ पे फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हो जाएगा, जहाँ पे फोर ऑल वाई के लिए, ठीक है? इसका मतलब जब ये सारा ये जो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई हो रहा है तब हमारा जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, अबेलियन हो जाता है, ठीक है? और इसी केस में जब अबेलियन होगा तो आपका ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स और फॉर ऑल वाई, तो ये जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर जाएगा आपका, जेड जी में, और वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपका जो जी है वो साइक्लिक है तो जो सेंटर है वो इक्वल हो जाएगा जी की। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास हाँ बोलिए जेड फोर हाँ अबेलियन है इसलिए जेड जी इक्वल्स टू जी हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर जेड फोर ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। जेड फोर इज नॉट साइक्लिक, सॉरी मैम, जेड फोर नहीं, जेड सिक्स। अगर जेड सिक्स ले तो ओके, जेड सिक्स, जेड सिक्स इज नॉट साइक्लिक। हाँ जेड सिक्स इज नॉट साइक्लिक, कंफर्म? कल की दोनों क्लासेज में ध्यान दिया था राखी, मैंने कल आपको बताया था जेड एन साइक्लिक होता है और इसका जनरेटर वन होता है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है? ऐसी गलती दोबारा मत करना, बहुत छोटी सी गलती है ये, ठीक है? तो इसका कन्वर्स का ट्रू होने का मतलब है अगर हमारे पास जेड जी इक्वल टू जेड सॉरी जी दिया हुआ है, इसका मतलब जी आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। बट ये ऑलवेज ट्रू, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मतलब अगर जी है जेड जी के बराबर हो जाएगा तो जी अबेलियन हो जाएगा। यस, अबेलियन हमेशा साइक्लिक इंप्लाई नहीं करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, This doesn't imply cyclic. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? साइक्लिक है तो वो अबेलियन हो जाएगा, और अबेलियन हो जाएगा तो उसका सेंट्रल ग्रुप के बराबर हो जाएगा। बट सेंट्रल ग्रुप के बराबर हो गया इसका मतलब जी आपका अबेलियन हो गया, और अबेलियन ऑलवेज doesn't imply कि वो साइक्लिक। उसका एक एग्जांपल बता दीजिए। ओके, आप लोगों ने क्यू फोर सुना होगा? Yes, क्यू फोर में आपका प्लस माइनस आई, यस, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, इसमें नहीं, इसमें अबेलियन नहीं होता है क्योंकि आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, यस, के माइनस के हो जाता है। यस यस, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। K4 ले सकते हैं, K4 Kalian group, E A B B A B,
यही हुआ? यस मैम। ओके, हाँ यहाँ पे आपका ये अबेलियन है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ए और इनका जो ऑर्डर होता है वो दो होता है, राइट? इसमें जो ए बी बिलोंग कर, ए बी और ए बी आते हैं, इनका यही प्रॉपर्टी होता है कि इनका जो ऑर्डर होता है वो टू होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला इसका फोर हो, साइक्लिक हो, जिसका ऑर्डर फोर, इसलिए के फोर आपका साइक्लिक साइक्लिक नहीं हुआ, और ऑर्डर टू है तो सेल्फ एबेलियन हो जाएंगे। यस यस, सेल्फ इनवर्स, यस, मतलब इसका यहाँ पे ये रिजल्ट यूज हो जाएगा अगर आपका ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप से सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन आपका जी जो है वो अबेलियन हो जाता है, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो इस वाले रिजल्ट से ये आपका अबेलियन हो गया, बट ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर आपका फोर बन जाए, ठीक है। वो क्यू फोर आपका वहां पे काम करेगा, उसके जो सब ग्रुप्स हो रहे थे वो सारे साइक्लिक होंगे, बट वो ग्रुप साइक्लिक नहीं, हाँ ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा वहां पे वो आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस। ओके, एक दो ग्रुप्स के हम सेंटर देख लेते हैं जो आपको डायरेक्टली काम आ जाएंगे। जो डीएन का सब सेंटर होता है इसमें आपका आर जीरो सिर्फ आता है जब आपका एन जो होता है वो ओड होता है, और इवन होता है तब आपका आर जीरो और आर 180 आ जाता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली काम आएगा, तो एन ओड होता है तब आपके सेंटर में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और जब एन इवन हो जाता है तो आपका आइडेंटिटी और आर 180 ये वाले दो रोटेशंस आते हैं आपके, ठीक है। और एक हम लोग और किसका देख सकते हैं, जेड का आपका जो सेंटर है वो जेड ही आ जाएगा क्योंकि जेड आपका साइक्लिक होता है, और साइक्लिक हो तो अबेलियन हो गया, जेड एन भी आपका अबेलियन होता है तो इसका भी जो सेंटर है वो आपका जेड एन ही आ जाएगा। ओके, और यू एन भी आपका अबेलियन होता है तो इसका सेंटर भी आपका यूएन ही आ जाएगा। तो ये कुछ एक ग्रुप्स हैं जिनका आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, एक चीज और इसमें हम लोग रिलेटेड बता देते हैं, सेंट्रलाइजर। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटर और सेंट्रलाइजर में। सेंट्रलाइजर और एन एलिमेंट, देखिए डिफरेंस आपको यहीं पे दिख जाएगा। ये सेंट्रलाइजर है एक एलिमेंट का, और सेंटर आप किसका निकालते हैं, ग्रुप का, ग्रुप का, ठीक है। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है, सेंटर हम हमेशा ग्रुप का निकालते हैं और सेंट्रलाइजर हमेशा एक एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइजर आपका जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर हम ए कोई जी से बिलोंग कर रहा है और इस एलिमेंट का हम सेंट्रलाइजर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जी के सच दैट ये एक्स किसके साथ कम्यूट करना चाहिए, अब ए के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस बिल्कुल देख सकते हैं, सेंटर ग्रुप का निकालते हैं और इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो बाकी सारे के साथ में कम्यूट करते हैं, पर यहाँ पे सेंट्रलाइजर में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस ए के साथ कम्यूट करेंगे, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस होता है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रलाइजर और सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो सेंट्रलाइजर एक एलिमेंट का निकलता है, सेंटर एक ग्रुप का निकलता है, और सेंट्रलाइजर में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो उस जिस एलिमेंट का हम सेंट्रलाइजर निकाल रहे हैं उसके साथ कम्यूट करते हैं, बट सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करना चाहिए। और ये जो सेंट्रलाइजर होता है वो भी आपका सब ग्रुप होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। और
ए का सेंट्रलाइजर और ए इनवर्स का सेंट्रलाइजर, दोनों का सेंट्रलाइजर आपका, सॉरी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ओके ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको। यही इसमें कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे जो हमें रिकॉल करने थे, बाकी जैसे हम लोग जैसे जैसे वो चीज बेंस क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हमारा जो कुछ थ्योरी रह भी जाएगा, कुछ रिजल्ट रह भी जाएंगे, तो उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, देन नेक्स्ट हम लोग सब ग्रुप तक हो गया, अब नेक्स्ट हम परम्यूटेशन ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमें बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा करना होगा। और सर ये सर उसका टेस्ट का सर आंसर भेज दीजिए सर, मैंने अटेम्प्ट किया सर। हाँ भेज दिया था, भेज दिया था, आप देख लीजिएगा चला गया होगा मेल पे, अगर ईमेल में मतलब इनबॉक्स में नहीं होगा ना तो शायद आपके स्पैम फोल्डर में होगा।